नमस्ते, मैं प्रकाश मणि पीएम क्विजिन में आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम मकर संक्रांति स्पेशल बनाएंगे काले तिल और गुड़ के लड्डू। इसके लिए सबसे पहले हमने पैन को हीट होने के लिए रख दिया है। अब इसमें हम छोटे छोटे टुकड़ों में कूटा हुआ गुड़ डाल रहे हैं, ये 300 ग्राम है। इसको हम पिघलने देंगे। ये देखिए, मीडियम फ्लेम पर हमारा गुड़ पिघल रहा है। इधर हमारा गुड़ मध्यम मध्य आंच पर पिघल रहा है। इधर हम दूसरा पैन हीट होने के लिए रख देते हैं और इसमें हम ये काले तिल थोड़े से हल्के से भून लेंगे। ये देखिए, इन तिलों को भूनने के लिए हम लगातार चलाते हुए इन्हें भूनते रहेंगे। तिल को हिलाते हुए साथ साथ में हम बीच बीच में हमारे गुड़ को भी देखते जाएंगे और तिल को इसी तरह से हिलाते हुए हम भून लेंगे। ये देखिए, हमारे तिल तड़कना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, हमें तिल को भूनते हुए 2-3 मिनट हो चुके हैं। हमारे तिल अच्छे से फूल चुके हैं। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। इधर हम अपना गुड़ देख लेते हैं, ये पिघल रहा है, अभी पूरी तरह से नहीं पिघला है। इन तिलों को हम अलग एक प्लेट में निकाल लेते हैं। हमने 300 ग्राम गुड़ के लिए 300 ग्राम तिल लिए हैं। ये देखिए, हमारा गुड़ अच्छे से पिघल चुका है। अब हमने गैस का फ्लेम तेज कर दिया है। अब हम इस गुड़ को थोड़ी मध्यम आंच पर पका रहे हैं। अब हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारे लड्डू के लिए गुड़ की चाशनी रेडी है या। हम कुछ ड्रॉप्स इस गुड़ की लेके पानी में डालेंगे। ये भी नरम है, हमारी चाशनी अभी रेडी नहीं है। हम फिर से चेक कर लेते हैं हमारी चाशनी को। ये देखिए, अब देखने से लग रहा है कि हमारी चाशनी रेडी है। अब हम इसको तोड़ के देखेंगे, ये अच्छे से रेडी है। गैस का फ्लेम हम बंद कर देते हैं। अब इसमें हम तिल को डाल के मिक्स कर ले जाएंगे। ये देखिए, हमने थोड़ा थोड़ा तिल करके इसमें सारा तिल मिक्स कर दिया है अच्छे से। ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसका हम लड्डू बनाना शुरू करते हैं। अब हम इन लड्डू को थोड़ा सा पानी का हाथ लेके जल्दी जल्दी बनाएंगे, नहीं तो ये कड़क हो जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से हम सारे लड्डू को बना लेंगे। अगर हाथ से नहीं निकले तो हम चम्मच से इस तरह से थोड़ा सा लेंगे और इसका इस तरह से लड्डू बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे लड्डू बना लेंगे। ये देखिए, हमारे काले तिल और गुड़ के लड्डू बनकर अब एकदम रेडी हैं। हमने छोटी छोटी साइज़ बनाई है, अगर आप चाहें तो बड़ी बड़ी साइज़ भी बना सकते हैं। इसको आप ट्राई कीजिए। धन्यवाद।